वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुली के, इससे पहले की क्लास में हमने पुली के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, अब इससे आगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एक सपोज ये ब्लॉक है ऑफ एम वन और इसको हम एक फोर्स से इधर की तरफ खींच रहे हैं, फोर्स एफ। इसके बाद यहाँ एक पुली है, इस पुली को यहाँ स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। और इसको हमने यहाँ पे M2 मास से अटैच कर दिया है इसको। अब हमें बताना है फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ मास M1। इसमें कितना एक्सेलरेशन है ये हमें पता करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास M1। तो क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, देखो ये M1 है, ये M2 है, इस वाले फोर्स से इस ब्लॉक को जिसका मास M1 है हम इधर की तरफ खींच रहे हैं और हमें एक्सेलरेशन A1 बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो पूरा का पूरा ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो पूरा ये स्ट्रिंग सेम एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी क्या होगी पूरी स्ट्रिंग में, ये इधर की फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसका, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लेट मास M2 का। तो ये M2 मास हो गया, जो टेंशन इसमें टी मान ली, तो टेंशन हमेशा कहाँ काम करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन हो गई क्या टी, लेट इसमें टेंशन टी है अपवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट क्या हो गया है एम इंटू जी। नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ गई है। अब क्या करते हैं, देखो इक्वेशन बनाओ, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स होगा। ये वाला कंपोनेंट वाला कंपोनेंट में कौन बड़ा होगा, टी, टेंशन, टेंशन टी है। तो इस वाले कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा, ये वाला कंपोनेंट। इससे कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसी ही फोर्स से ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा एम टू जी माइनस टी। नेट फोर्स क्या होगा, इसका मास और एक्सेलरेशन क्या है, मास एम टू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम टू जी माइनस टी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करो, इस वाले ब्लॉक M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका एफ बी डी ऑफ किसका M1 का। देखो ये क्या है M1, M1 मास है, इसमें टेंशन क्या है T, इस और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट किधर होगी, इस डायरेक्शन में। इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है F। अब क्या है नेट फोर्स किस है, इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा F नेट, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा हमारा, ये वाले कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा तभी तो ब्लॉक इस साइड जा रहा होगा। तो T माइनस F नेट फोर्स हो गया। ये नेट फोर्स बराबर क्या होगा, मास इसका और एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है M1 और एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें A, ये क्या हो गया T माइनस F। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर वन क्या है M2 A इक्वल्स टू क्या है M2 G माइनस T, इक्वेशन नंबर वन। इसको अगर हम ऐड करेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल और ए को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इधर M1 प्लस M2 और A को ले लिया कॉमन इक्वल्स टू माइनस टी से ये कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा M2 G माइनस F इक्वल्स टू क्या बचेगा M2 G माइनस F की वैल्यू कितनी हमने लिखी हुई है, F जो है F F का वैल्यू दे रखे हमें M2 G बाई M2 G बाई टू F की वैल्यू दे रखी है। तो F की वैल्यू कितनी हो गई M2 G बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक में से आधा घटेगा ये सेम वैल्यू है तो कितना आ गया एम टू जी बाई टू, ये क्या हो गया एम वन प्लस एम टू ए इक्वल्स टू। तो ए की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम टू जी अपॉन में टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू। तो हमें क्या निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ एम वन, तो एक्सेलरेशन जाए इसमें क्या तो जाए इसमें सेम एक्सेलरेशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ गया
एम टू जी अपॉन में टू टाइम्स ऑफ एम वन प्लस एम टू। जो ये एफ फोर से जो ये ब्लॉक हमारा इस तरफ खींच रहा था उसकी वैल्यू दे रखी थी हमें, गिवन थी एम टू जी बाई टू। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, हमें टेंशन बतानी है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से एक ब्लॉक अटैच है ऑफ मास 1 किलोग्राम का, 1 kg का मास अटैच है, ये स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे एक पुली और है और इससे अटैच है 1 किलोग्राम का और एक मास। तो हमें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें बताना क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी ये बताना है। तो स्ट्रिंग में टेंशन बताना हमें, क्या करेंगे कि ये वाला देखो एनालाइज करें, अगर 1 किलोग्राम जो ये ब्लॉक इससे अटैच है, ये स्ट्रिंग जो है ऐसे होके पास ऐसे जा रही है, तो मतलब एक सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग में क्या होगा टेंशन सेम होगा, और क्या होगा एक्सेलरेशन भी पूरी स्ट्रिंग में क्या होगा सेम होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक करो, पहले इसको ब्लॉक का जो है नाम दे दिया ए, इसको बी नाम दे दिया सपोज, और इसको ए, तो एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ ए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की हमने जो डायरेक्शन है किधर मान ली, सपोज पूरा ब्लॉक जो है इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है और ये ब्लॉक ये ऐसे जा रहा है और ये घूम के ऐसे जा रहा है, ये मतलब ये बैकवर्ड जा रहा है, ऐसे आगे फुल फॉरवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो हमने ये ज़ूम कर लिया। अब इसके बाद अगला एबीडी ए का ड्रॉ करना है और टेंशन मान ली टी क्या है इस स्ट्रिंग में, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट क्या काम करेगा मास इंटू एम इंटू जी होता है 1 × g वेट हो गया, और टेंशन की जो डायरेक्शन हो गई कहाँ हो गई अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन कहाँ हो गया टी अपवर्ड, और नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो गई नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स भी कहाँ का लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है एफ नेट, नेट फोर्स बराबर क्या होता है ये वाला कंपोनेंट में, ये वाला कंपोनेंट में कौन सा ये बड़ा होगा इससे, तभी ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये 1 × g माइनस टी। नेट फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास कितना है 1 किलोग्राम, इसका मास कितना है 1 kg, तो 1 × एक्सेलरेशन क्या मान लिया हमने ए इक्वल्स टू कितना हो गया 1 g माइनस टी, या फिर क्या कह दो ए इक्वल्स टू क्या गया जी माइनस टी, इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं इसको 1। अब क्या करो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका ब्लॉक बी का, एफ बी डी ऑफ बी, ये जो ब्लॉक है किस इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे जा रहा है, इसमें टेंशन क्या है टी, और टेंशन टी है इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा ए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ऐसे घूम के जाएगा, तो इसी फोर्स से ये खींच रहा होगा आगे की तरफ, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो इस ये जो फोर्स है ये टेंशन जो फोर्स है किसके बराबर होगी इस ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम है जो कि इंटू एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ये आगे खींच रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो टी इज इक्वल टू कितना है वो ए या 1 ए। अब टी की जो वैल्यू है 1 ए है यहाँ पे पुट कर दिया, तो ए इक्वल्स टू क्या है जी माइनस टी, टी की वैल्यू क्या रख दो ए, ए ए ए कितना हो जाएगा 2 ए इज इक्वल टू कितना आ गया जी, या फिर ए बराबर कितना आ जाएगा जी बाई टू, जी के वैल्यू अगर हम 10 मानते हैं 10/2 कितना हो गया 5 m/s² और टी की वैल्यू कितनी है 1 a N है, हमें क्या निकालना था टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन स्ट्रिंग में कितनी है टी इज इक्वल टू कितनी है 1 a इज इक्वल टू 1 मास ए, ए की वैल्यू कितनी है 5 m/s² 1 kg/s² कितना आ जाएगा 5 N, टेंशन बतानी थी हमें स्ट्रिंग में कितनी होगी, तो टेंशन होगी स्ट्रिंग में 5 N। नोट डाउन, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी
हमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखा है, इससे पे एक ब्लॉक है 2m मास का, और इससे एक पुली अटैच है, मूवेबल पुली अटैच है जिसका नाम है बी पुली का नाम है, और ये आगे जाके एक दूसरी फिक्स्ड पुली से अटैच है। ये ऐसे है, ये पुली ये हो गई, ये क्लैंप हो गया, और इसके बाद यहाँ से ये अटैच है कितने किलोग्राम मास से, एम से, मास एम हो गया, इस पुली का नाम हो गया ए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, एम में कितना एक्सेलरेशन होगा, इस वाले में कितना एक्सेलरेशन होगा ये बताना है। बी सेकंड है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सी फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप, सी बताना क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए। ये जो क्लैंप है ये इस पुली पे कितना फोर्स एग्जर्टेड करेगा ये बताना है। इसको एनालाइज करते हैं, एक बार प्रॉब्लम देख लो। ये ब्लॉक m है, इसका मास 2m है, ये पुली कैसी है, मूवेबल पुली है, और ये पुली कैसी है, फिक्स्ड है, ये कैसी है, मूवेबल पुली है, और ये कैसी हो गई, फिक्स्ड पुली। अब हम देखते हैं कि अगर देखो इसी प्रॉब्लम में, अगर ये जो पुली है इससे साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है सब, अगर ये जो पुली है आगे चल के ये यहाँ तक पहुँचती है, अगर लेट ये जो पुली है सपोज यहाँ पहुँचती है, इस वाले यहाँ से आगे चल के इस वाले डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो अगर ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस चला, ये यहाँ से ये भी ये पुली यहाँ आई यहाँ से, तो ये एक्स डिस्टेंस यहाँ भी चला, ये भी यहाँ भी चलेगा, तो ये जो स्ट्रिंग है कितनी डिस्टेंस चलेगी, 2x, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x, ये पूरा ब्लॉक यहाँ आगे 2x बना देगा, तो ये जो ब्लॉक है 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये x ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x और ये x, तो ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसमें हमने मान लिया इस ब्लॉक में अगर x, ये इसके साथ अटैच, अगर इसमें एक्सेलरेशन a होगा तो इसमें एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू कितनी होगी, डबल, क्योंकि ये अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये ब्लॉक यहाँ कहाँ आ जाएगा, 2x डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2a। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस वाले ब्लॉक m का, FBD ऑफ m, इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन हमने t मान लिया, बजू टेंशन की हमेशा डायरेक्शन होती है अपवर्ड, t मतलब इसमें खिंचाव होता है, और वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m into g। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अज्यूम है, जिसकी वैल्यू कितनी है, a2 इज इक्वल टू कितना है, 2a। नेट फोर्स कितना लगेगा, इसी की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा इससे, तभी मोशन डाउनवर्ड होगा, mg - t। नेट फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलेशन, इस ब्लॉक का मास कितना है, m, इस ब्लॉक का मास m है, तो m इंटू एक्सेलेशन क्या है, a2 इक्वल्स टू mg - t। m a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg - t। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो उसका, पुली बी का, FBD हम ड्रॉ करते हैं ओ पुली बी का, इसका ये पुली है, इसमें टेंशन क्या है, TT, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऐसे घूम के ऐसे आ रही है, तो इसमें टेंशन T है, तो इसमें भी T होगा, और ये ऐसे घूम के आ रही है तो इसमें T होगा, लेकिन जो ये वाली स्ट्रिंग है ये वाली इससे अटैच है, तो इसमें क्या होगी, टेंशन कुछ अलग होगी, तो इसमें सपोज एज्यूम कर लिया हमने टेंशन क्या है, T1, इसमें अगर टेंशन T1 है
तो टी वन किसके बराबर होगा, टी वन इजिकल टू टू टी होगा। टी वन किसके बराबर होगा, टू टी, इसको कंपनसेट करेगा ये वाला टेंशन इसको टेंशन को, तो टी वन की वैल्यू कितनी आ गई टू टी। अब क्या करो, एफ बी डी ड्रॉ करो, किसका, एफ बी डी ऑफ टू एम का, ये जो टू एम मास है उसमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये टू एम मास हो गया, ये इस किस टेंशन से खिंच रही है आग की तरफ, टी वन, इसमें टेंशन कितनी है टी वन, इसमें टेंशन कितनी है टी वन, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या थी टी, तो टी वन से जा रहा है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर कितनी है ए वन, जिसकी वैल्यू कितनी है ए, तो इसमें जो नेट फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या है, यही टेंशन ही है नेट फोर्स है, तो टेंशन जो खींच रहा है कितने कितने को होगा, इसका मास और एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 2m और एक्सेलरेशन कितना है a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है a, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई 2m a। अब t1 किसके बराबर है 2t के बराबर, यहाँ से रख दो, t1 की वैल्यू कितनी है 2t, t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2t, 2t रख दिया हमने इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा 2m a, 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर कितना आ जाएगा m into a, t बराबर कितना आ गया m into a, इसमें पुट कर दिया t की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन हमारी क्या है 2m a इक्वल्स टू एम जी माइनस टी फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से t की वैल्यू क्या कर दो 2m a एम जी माइनस टी की वैल्यू कितनी है m a, m a m a इधर आ जाएगा कितना बना देगा, बना देगा ये 3m a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एम जी, 3m a एम जी, m से m कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया g बाई थ्री, ए बराबर जी बाई थ्री, ए किसका, ए एक्सेलेशन किस में ए वन, ए वन मतलब एक्सेलेशन, ये ए वन किस में एक्सेलेशन टू एम वाले मास में, ये एक्सेलेशन, अभी हमने एक्सेलेशन ए की वैल्यू निकाली है जी बाई थ्री, ए बराबर जी बाई थ्री किस में है ए वन, ए वन, और ये एक्सेलेशन किस में है, एक्सेलेशन है ऑफ मास किस में टू एम में, लेकिन हमें एक्सेलेशन किस में निकालना है, हमें एक्सेलेशन किस में निकालना है मास एम में, तो मास एम में एक्सेलेशन कितना है ए टू, मास एम में एक्सेलेशन कितना है एम में, मास कितना है एक्सेलेशन मास एम में 2a, तो 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है g बाई थ्री, तो कितना आ गया 2g बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में एक्सेलेशन ऑफ मास एम में, तो कितना आ गया ये 2g बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेंशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है एम इंटू ए, यही यही कर लेते हैं इसको आगे, m into a टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो t बराबर क्या है m into a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है g बाई थ्री, m क्या आ जाएगा ये एम जी बाई थ्री न्यूटन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी आ गई एम जी बाई थ्री, इस वाले स्ट्रिंग में, इस वाले स्ट्रिंग में t1 में निकालोगे टेंशन ये जाएगा 2t, इस वाले में क्या आ जाएगा 2t, t की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, फाइंड द टेंशन इस वाले में एम जी बाई थ्री, तो टू एम जी बाई थ्री आ जाएगा इस भाई, इस वाले टी वन की वैल्यू इस वाले स्ट्रिंग में, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ जाएगी एम जी बाई थ्री, और उसमें टू एम जी बाई थ्री, ये चीज़ आ गई। एक बचा हुआ क्या है, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप, इस क्लैंप द्वारा इस ए पुली पे कितना फोर्स एग्जर्टेड होगा, ये निकालना है। और फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप, ये पुली है, इधर टेंशन क्या लग रहा है टी, इसमें टेंशन टी मानी हुई है, इधर भी टेंशन क्या है टी। अब जो ये दोनों अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे ले जाएं, ऐसे एज्यूम करें, तो ये क्या है 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाएंगे 90 डिग्री बनेगा, और इसका रिजल्टेंट मान लो नेट फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्लैंप लगाएगा। अब ये टी है, ये टी है, तो नेट फोर्स आर, ये एंगल इनके बीच में कितना हो गया थीटा 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट हमारा, फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए, जो ये क्लैंप है, ये क्लैंप ये पुली ए पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये बताना है। तो हम देखते हैं कि अगर ए का मैं ये बनाऊँ, ये पुली है, इस पर देखो टेंशन टी की डायरेक्शन इधर होगी, इस पर क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट इधर की तरफ एक्ट काम करेगा, ये पुली हो गई ए। हम जानते हैं कि वेक्टर वाले चैप्टर में अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है बीटा,
तो ये जो रिजल्टेंट आर है इसकी जो वैल्यू होती है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। और इसके डायरेक्शन निकालते हैं, ये क्या होती है टेन बीटा इजकल टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। अगर हम इस डायग्राम को इसके साथ एनालाइज करें तो यहाँ की देखो ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं ऐसे यहाँ पे टेंजेंशियल। तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है टी, ए की वैल्यू यहाँ इस वाले में और बी की वैल्यू भी क्या है टी। तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स टी इंटू टी, ए और बी की वैल्यू सेम है, इंटू कोस 90 स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई विद समथिंग इजकल टू जीरो, ये आ गया रूट में। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा टू टी स्क्वायर, और रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा रूट टू और टी बाहर आ जाएगा रूट टू टी। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू रूट टू और टी, टी की वैल्यू कितनी है फाइंड द टेंशन इन द, इस वाले टेंशन टी थी इस स्ट्रिंग में और टेंशन टी की वैल्यू कितनी निकाली हमने एम जी बाई थ्री। तो फोर्स जो क्लैंप एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली कितनी हो जाएगी रूट टू एम जी बाई थ्री। अगर हम इसी रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल लें तो कितना हो जाएगा, देखो टेन बीटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या विद हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा टेन बीटा इजिकल टू क्या होगा इस वाले बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है टेंशन है जिनकी वैल्यू क्या है सेम है टी। तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, टी साइन 90 अपॉन में टी प्लस टी कोस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में टी प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 मल्टी साइन थी इजल टू 0, तो टी प्लस टी, टी से टी कैंसिल बचा 1, तो टेन बीटा की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1। तो बीटा की वैल्यू 1 टेन की फॉर्म में 1 वैल्यू कब आती है जब बीटा कितनी डिग्री होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ें निकालनी थी हमें, एक्सेलेशन ऑफ द मास एम इसमें कितना हो गया 2g/3, टेंशन इन द स्ट्रिंग इस वाले में कितना हो गया mg/3, फोर्स एक्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली कितना हो गया रूट टू mg/3, और ये डायरेक्शन जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 45 डिग्री पे एंगल पे बना रहा है। नोट डाउन, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, डायग्राम है पहले डायग्राम प्लॉट कर बना लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है। ये एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है एम, और ये ब्लॉक एक पुली से ऐसे जुड़ा हुआ है जो कि पुली कैसी है, पुली फिक्स्ड पुली है, फिक्स पुली है। और इसके बाद क्या है हमने इससे स्ट्रिंग से एक पुली और अटैच्ड है और इससे एक ब्लॉक अटैच है, इसका मास कितना है 2m, और इस स्ट्रिंग को ऊपर लेके गए और यहाँ इसको फिक्स कर दिया। तो ये वाली जो तो पुली है वो तो फिक्स्ड है और ये वाली पुली कैसी है मूवेबल है पुली है, इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है 2m, और इनका इंक्लिनेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें एक्सेलरेशन बनाना बताना है ब्लॉक मास m का एक्सेलरेशन बताना है। शुरू करते हैं, अब देखो एक बार अगर इस ब्लॉक को एनालाइज करें, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा ऐसे, ये स्ट्रिंग इसके साथ है, तो इसमें अगर टेंशन टी है तो इस पूरे वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी टी, पर ये वाला जो ब्लॉक है इससे अटैच है इस वाले से, तो इसमें ये अलग स्ट्रिंग हो गई, अगर ये अलग स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी क्या होगी अलग होगी। अब अगर इसको हम यहाँ देखें, अगर इस वाले डायग्राम में देखो कि अगर ये जैसे ये पुली है, पुली अगर यहाँ से नीचे की तरफ आए, इसमें इसका हम इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अपवर्ड मान लेते हैं इसमें,
एक्सेलेरेशन डायरेक्शन किधर किधर हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में ये, और ये अगर ऐसे नीचे आएगा तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाली जो पुली है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। सपोज इसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस कवर किया। अगर ये यहाँ आ गई तो इस रस्सी में कितना खिंचाव होगा, 2x का 2x डिस्टेंस से ये जो ब्लॉक है m वो 2x डिस्टेंस से मूव करेगा, 2a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर ये दोबारा से देखते हैं, अगर ये जो ब्लॉक ये जो पुली है ये नीचे की तरफ x डिस्टेंस आई तो x इधर से भी आएगी और x इधर से भी आएगी, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। तो ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग में इसमें कितना खिंचाव होगा 2x। अगर इसमें एक्सेलरेशन हम क्या मानते हैं a, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a, डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके ये कितना है 2x डिस्टेंस। तो इसमें इसको a2 मान लिया, इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2a। अगर इसमें एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक ये इसके साथ अटैच है तो इसमें भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसी के साथ, ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया a। इसमें एक्सेलरेशन क्या हमने हमने मान लिया a, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा डबल, a2 कह दिया, जिसमें इसकी वैल्यू क्या हो गई 2m। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसका, 2m का। इसका ब्लॉक का नाम a दे देते हैं, इस ब्लॉक का नाम b दे देते हैं। तो FBD ऑफ किसका, b का FBD ड्रॉ करो। टेंशन इसमें t मान ली, टेंशन की t अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 2m इंटू g, मास इंटू g। नेट एक्सेलेशन ब्लॉक पूरा पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन कहाँ हो गई डाउनवर्ड, ए वन है इसकी वैल्यू ए है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, नेट फोर्स इजिकल टू इस वाले कंपोनेंट इस कंपोनेंट में ये वाला बड़ा होगा, तो 2mg माइनस टी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका मास, इसका मास कितना है इस ब्लॉक का मास b का 2m, तो 2m इंटू एक्सेलेशन कितनी है इसमें a1, एक्सेलेशन a1 माना, इजिकल टू 2mg माइनस टी, इजिकल टू क्या हो जाएगा 2m, a1 की वैल्यू कितनी है a, इजिकल टू 2mg माइनस टी। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। आप क्या करो, FBD ड्रॉ करो इस वाले पुली का, ये पुली है C, मूवेबल पुली है, जो FBD ऑफ पुली C, ये मूवेबल पुली जो है जिसका नाम क्या है C, ये जो मूवेबल पुली है इसका FBD ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया, इसमें दो टेंशन लग रही हैं, अगर इसमें हमने टेंशन नीचे की तरफ क्या माना है T, इसमें टेंशन T है तो इसमें अज्यूम कर लिया T1 टेंशन लग रही है, इसमें टेंशन क्या मान लिया इस वाले में सेम, इस वाले स्ट्रिंग में पूरी टेंशन क्या होगी सेम होगी अगर हमने इसमें T1 मान लिया है तो, और इसमें क्या है T, तो इसका हॉरिजॉन्टल देखें तो क्या होगा T2 T1 के बराबर होगा, ये इसको कंपनसेट करेगा, तो T बराबर कितना हो गया 2T1 के बराबर। अब FBD ड्रॉ करो इस ब्लॉक का, किसका, इंक्लाइन प्लेन पर जो रखा है, तो FBD ऑफ मास m का a का उसका, ये इंक्लिनेशन प्लेन है, एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये इसमें टेंशन कितना है T1, इसमें टेंशन T1 है पूरे में, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन कितनी है a2, वैल्यू कितनी है a2, और 2a से इधर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में अप द प्लेन, और वेट हम जानते हैं कि ऐसे काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट की वैल्यू क्या होगी ब्लॉक का, इसका मास कितना है m, तो क्या होगा मास mg, इसका दो कंपोनेंट भी जॉइंट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन, इसकी वैल्यू अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल हम जानते हैं 30 डिग्री होगा, तो यह क्या होगा mg साइन 30, और ये क्या है ये वाला mg cos 30, ये सारी चीज़ हम जानते हैं। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, तो नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T1 में इस वाले कंपोनेंट में, अब हम इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में ले रहे हैं, तो इस वाले इसमें ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा इससे, तभी मोशन अपवर्ड जा रहा होगा, तो T1 माइनस क्या mg sin 30 इक्वल्स टू T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो T1 कितना हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा T/2, तो T1 की वैल्यू क्या रख दो T/2 माइनस mg sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। F नेट क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है m और एक्सेलरेशन इसमें कितना है a2, m a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t माइनस mg,
और बाई टू ऐसे कर लिया। इस टू को इधर ले गए तो कितना, दो दो में मल्टीप्लाई कर दिया चार, फोर एम ए इक्वल्स टू क्या जाएगा टी माइनस एम जी, इसका इक्वेशन नंबर क्या कर दिया टू। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर वन, वन कहाँ है ये री, इक्वेशन नंबर वन क्या है टू एम ए इक्वल्स टू क्या है टू एम जी माइनस टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, इसको वन और टू का ऐड कर दो। अगर वन और टू को ऐड करेंगे देखो चार और दो छः एम ए इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, टू एम जी में से एम जी कटाएंगे तो क्या बचेगा एम जी खाली, एम से एम भी कैंसिल तो ए बराबर कितना आ गया जी बाई सिक्स। और ए किस में एक्सेलेशन है, ए एक्सेलेशन किसका है ए बराबर ए वन, ए बराबर ए वन एक्सेलेशन। और हमें एक्सेलेशन किस में बतानी थी, हमें एक्सेलेशन बताना है मास एम में, तो एक्सेलेशन ये लेकिन ये वाला एक्सेलेशन ए किस में आया है मास टू एम में, ये एक्सेलेशन किस में आया है मास टू एम में, टू में वाले में आया है। अगर हमें किस में बताना है एक्सेलेशन एम वाले में, तो ए एम इसका किस इसमें क्या होगा ए टू, ए टू की वैल्यू इसमें एक्सेलेशन कितना है ए टू और इसकी वैल्यू कितनी है टू ए, तो टू इंटू ए एक वैल्यू कितनी है जी बाई सिक्स, एक वैल्यू जी बाई सिक्स, दो होती है छः, तो इसमें एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आ गई जी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले ब्लॉक में एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आ गई जी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर इसके बाद। ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। अगली प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये सरफेस है, ये एक पैच है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इस पर एक वैज है, ये एंगल थीटा है और इस पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है जिसका मास कितना है स्मॉल एम और इसका मास है एम डैश। इसके बाद हमने क्या करा, इस वैज को इस स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और यहाँ एक पुली है और इससे ब्लॉक लटका रखा है मास एम। हमें बताना है मास एम की वैल्यू बतानी है ताकि ये जो स्मॉलर ब्लॉक है एम की वैल्यू बतानी है ताकि ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये प्रिवेंट हो स्लिप होने से। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मास एम, फाइंड क्वेश्चन क्या है फाइंड एम सो दैट स्मॉल एम ये वाला एम विल नॉट स्लिप, विल नॉट स्लिप, स्लिप ना स्लिप होने से अवॉइड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें स्ट्रिंग में टेंशन तो एक ही है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या है टी मान लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम इसका एम का एफ बी डी ऑफ एम, इस वाले का एफ बी डी ड्रॉ करें अगर हम तो, और हम ये क्या मान लेते हैं कि जो पूरा सिस्टम है नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन डायरेक्शन क्या इधर हो गया और ये पूरा सिस्टम इधर तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो वेट तो हमेशा कहाँ काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी वेट हो गया मास इंटू जी, टेंशन ऊपर की तरफ, नेट एक्सेलेशन एक्सेलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स भी कहाँ हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू इस वाले में कौन बड़ा होगा ये बड़ा होगा एम जी माइनस टी। तो नेट फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलेशन, इसका मास कितना है एम इंटू एक्सेलेशन क्या हो गया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस टी। इसको क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर वन। अगला है क्या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो इसका वैज का, ये क्या है वैज, वैज का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें ये एंगल क्या है थीटा और इसका मास कितना है एम डैश। अब देखो इस पर ये जो टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में टी है और एक्सेलरेशन इधर ब्लॉक इधर खींचता हुआ जा रहा है
एक्सेलेरेशन ही है इससे, तभी तो नीचे जाएगा। अब इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जो है, या अब जो नॉर्मल ये ब्लॉक है जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा, सपोज ये क्या हो गया, आर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ये एंगल अगर देखो थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके साथ नॉर्मल है, ये टोटल 90 बनाएगा, तो ये वाला एंगल अंदर वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा आ गया। अब नेट नॉर्मल रिएक्शन जो ये वाला जो ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन आर लगा रहा है इस पर, तो अगर हम इसको रिजोल्व करें तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा दूसरा वाला। अब देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरह, तो नेट फोर्स क्या होगा, मा एम डैश इंटू ए नेट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस, ये वाला कम आर साइन थीटा वाला हॉरिजॉन्टल है इधर जा रहा है, तो टी माइनस आर साइन थीटा, टी माइनस आर साइन थीटा, टी इधर की तरफ जा रहा है, आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, और एम डैश मास इसका ये जो वेज इधर जाएगा और उसका एक्सेलेरेशन, इसमें एक्सेलेरेशन कितना है ए, तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या कर दो टू। अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू निकाल लिए। इक्वेशन नंबर वन किससे आई है, इस वाले से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से। इक्वेशन नंबर टू आई है वेज वाले को एफबीडी ड्रॉ करने से इक्वेशन। अब ये ब्लॉक बचा जो स्मॉल एम है मास जो इसके इंक्लाइन प्लेन पे है, इससे इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा, ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है स्मॉल एम, ब्लॉक एम जिसका मास क्या है स्मॉल एम। अब इस पे जो वेट लगता है, वेट तो हमेशा क्या कर लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट कितना होगा एम इंटू जी, वेट क्या हो गया एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे प्लेन बनाएं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है ऐसे, ये इस पे नॉर्मल ये 90 डिग्री ऐसे काटता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक पे आर लग रहा है। ये एंगल अगर थीटा है तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, इससे पहले भी हमने देखा है। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये आर है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से ये वाला छोटा वाला ब्लॉक इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो आर कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, आर कोस थीटा बैलेंस करेगा वेट को स्मॉल एम इन टू जी, क्वेश्चन नंबर थ्री कह दो इसको। और आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर किसका होगा मास, इस ब्लॉक का मास और इसमें क्या एक्सेलरेशन क्या है ए, तो आर कोस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, और आर साइन थीटा ये क्या है जो ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में जा रहा है ताकि हमें स्लिप होने से अवॉइड करना है। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को लो एक साथ ऐड कर दिया, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को ऐड करते हैं अगर हम, तो क्या है इसको ऐड करेंगे तो m और m डैश a कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास m प्लस m डैश और a आ जाएगा कॉमन, m प्लस m डैश a आ गया कॉमन, माइनस ये प्लस t और माइनस t इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा mg माइनस r साइन थीटा, ये क्या बचेगा mg माइनस r साइन थीटा इक्वल्स टू mg कैपिटल एम जी माइनस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा किसके बराबर है स्मॉल एम और ए के बराबर, तो इसको ले लो एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डैश, इस वाले को इधर ले जाओ इंटू ए भी है ये, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो एम प्लस कैपिटल एम डैश स्मॉल एम ए, ये ए भी इसके साथ आ गया, ए को कॉमन ले लिया, इसका टू कितना आ जाएगा एम जी, हमें निकालना लेकिन क्या है, हमें निकालना क्या है एक मिनट, हमें निकालना था m की वैल्यू, हमें बताना है मास m, फाइंड m, m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालनी है तो इसमें ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक m प्लस m डैश a इक्वल्स टू क्या है mg
माइनस आर साइन थीटा की वैल्यू क्या ले ली हमने, स्मॉल एम इंटू ए। अब क्या करो कि इक्वेशन ए की वैल्यू निकालो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4। क्या करा हमने, इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड अगर हम कर दें, 3 को 4 से डिवाइड कर दें, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। एम से स्मॉल एम कैंसिल तो क्या आ जाएगा, जी बाई ए, या फिर ए बराबर कितना आ जाएगा, जी बाई कोट थीटा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करो, ए की वैल्यू रख दो, क्या ए बराबर क्या रख दो, जी बाई कोट थीटा। हमें निकालना है किसकी वैल्यू है, एम की, एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, तो एम को ए में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या करते हैं, एम ए प्लस एम डैश ए, हमें एम की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने से हमने देखा कि अभी क्या आ रहा है, एम प्लस एम ए डैश इजिकल टू एम जी माइनस आर साइन थीटा इजिकल टू एम ए, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, ए से मल्टीप्लाई कर दो, एम ए प्लस एम डैश ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी आर साइन थीटा की जो वैल्यू है क्या है, स्मॉल एम इंटू ए। इस वाले ए वाले को भी इधर ले जाएंगे अगर हम, तो देखो क्या बन जाएगा, एम क्या बनेगा, एम ए प्लस, एम ए प्लस एम डैश ए और प्लस स्मॉल एम ए, स्मॉल एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी। अब क्या करो, ए को तीनों में से कॉमन ले लो, एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू जी। अब ए की वैल्यू क्या है, जी बाई कोट थीटा, यहाँ पर रख दो, क्या यहाँ देखो, यहाँ रखते हैं, एम प्लस क्या है, एम डैश प्लस स्मॉल एम ए है, ये वैल्यू ए है, ए बराबर क्या है, जी बाई कोट थीटा, ए बराबर क्या है, जी बाई कोट थीटा इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल एम इंटू जी, जी से जी कैंसिल, कोट थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, एम कोट थीटा, यहाँ क्या बचेगा, एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम। अब इस वाले एम को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, एम को कॉमन भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा माइनस वन, एम को इधर ले जाके यहाँ क्या बचेगा, एम डैश प्लस स्मॉल एम। तो एम की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, इसको डिनोमिनेटर में जाओ, एम डैश प्लस स्मॉल एम अपॉन में कोट थीटा माइनस वन, ये ब्लॉक एम का जो इस वाले ब्लॉक का मास आ गया। ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद करते हैं अगली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है हमें एक्सेलरेशन निकालना है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक में, 500 ग्राम का जो ब्लॉक है, 500 ग्राम के ब्लॉक में एक्सेलरेशन बताना है। डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम, इससे हमने क्या अटैच कर रखा है, एक स्ट्रिंग, फिर इसके बाद यहाँ एक पुली है, और ये इस पुली के बाद एक अलग और ब्लॉक अटैच है जिसका मास कितना है, 500 ग्राम, ये फिक्स्ड पुली है, ये वाली पुली कैसी हो गई, फिक्स्ड, और इसके बाद ये स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच है, एक पुली और यहाँ पे है फिक्स पुली, और इसके बाद यहाँ पे इससे अटैच है 50 ग्राम का एक मास, 50 ग्राम का मास। डायग्राम देख लीजिए, हमें एक्सेलरेशन बताना है किसमें, 500 ग्राम वाला जो ब्लॉक है, 500 ग्राम वाला ब्लॉक कौन सा, 500 ग्राम वाला ब्लॉक है ये वाला, तो हमें क्या बताना है इसमें, एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए क्या कर, कुछ अजम्पशन कर लेते हैं, ये अजूम कर लेते हैं कि जो पूरा सिस्टम है ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी,
एक्सेलेरेशन कैसे आएगी इस डायरेक्शन में, और ये इसमें एक्सेलेरेशन कैसे जाएगी ये, और ये कैसे जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या है, सारे एक ही स्ट्रिंग से हैं, ये स्ट्रिंग यहाँ तक तो एक ही है और यहाँ पर क्या है दूसरी स्ट्रिंग है, पर ये एक ही एक्सेलेरेशन जाएंगे, इस वाले में टेंशन तो अलग होगी और इसमें टेंशन क्या होगी अलग, क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन भी क्या होगी अलग अलग। तो पहले फ्री बॉडी, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होगा पूरे सिस्टम में एक ही होगा। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं 500 ग्राम का ब्लॉक का, इस वाले का। तो FBD ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, इसके जो 500 ग्राम है इसका अगर हम ऐसा यूनिट में करें तो कितना आ जाएगा 0.5 kg या 0.5 kg, तो 0.5 kg हो गया। इसका BD ड्रॉ करना है, देखो इसमें टेंशन, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T मान लिया तो टेंशन अपवर्ड हो गया, टेंशन T। वेट कितना होगा 0.5 × g, एक्सेलेरेशन डायरेक्शन डाउनवर्ड है क्योंकि सिस्टम हमने पूरा नीचे की तरफ मान लिया, तो नेट फोर्स भी कहाँ करेगा काम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू इस वाले कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट में ये बड़ा होगा तभी नीचे जा रहा होगा, 0.5 g - t। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका 0.5 kg, और इसमें एक्सेलेरेशन कितना है, नेट कितना हो जाएगा ये 0.5, ये लिख लेते हैं नेट कितना हो जाएगा 0.5 × a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 g - t, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 1। फ्री बॉडी डायग्राम किसका आ गया इसका। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 100 ग्राम इसका, FBD ऑफ 100 ग्राम ब्लॉक का, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 kg। इसका FBD ड्रॉ करते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन पे है ऐसे, इसमें एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें टेंशन क्या है हमने T मानी हुई है, इस वाली पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या है T, इसमें इस वाली जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है इसमें अज्यूम कर रहा हमने टेंशन क्या है T1, ये इसको T1 से पुल करेगा, तो टेंशन क्या हो गया इसमें T1। पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, अप द प्लेन जा रहा है, मास इसका कितना है 0.1 kg। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल हमें दे रखा है कितना है थीटा, ये एंगल पे इस एंगल की मैं वैल्यू दे रखी है थीटा की 30 डिग्री, जो एंगल हमें दे रखा है ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है ये एंगल। अब द प्लेन मोशन को कंसीडर करते हैं, तो नेट फोर्स क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें और इसमें कंपोनेंट में कौन सा बड़ा होगा टी बड़ा होगा, किससे T1 से, तभी सिस्टम ऊपर जा रहा है। और इसको आप दो कंपोनेंट में और भी रिजोल्व कर सकते हैं, ये वेट हमेशा कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा 0.1 × g इसके नॉर्मल और एक इधर की तरफ, ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 0.1 g sin 30, 0.1 × g, इसको आगे से लिख लेते हैं, इसको आगे करके ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0.1 g sin 30, ये वाला कंपोनेंट कौन से क्या हो जाएगा 0.1 g cos 30। पैरल टू द प्लेन क्या हो जाएगा 0.1 mass × g sin 30, ये mg होगा, अगर ये mg cos थीटा होता है, ये mg sin थीटा, थीटा एंगल अगर ये होता है तो mg sin थीटा 30 डिग्री होगा ये। तो ये क्या है टेंशन T अपवर्ड, तो ये वाला दूसरा क्या हो जाएगा ये माइनस है इस वाले डायरेक्शन में, माइनस T1 प्लस 0.1 g और sin 30। नेट फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना है इसका 0.1 × acceleration कितना है इसमें, एक्सेलेरेशन तो ए ही है, इक्वल्स टू T − T1 − 0.1 g sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको रखो 0.1 a इक्वल्स टू T − T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 0.1 / 2 पर अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो 0.1 / 2 तो 1/20 रख सकते हैं, और 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 20 से 1 को भाग देंगे 20, देखो 20 में 1 को भाग देंगे पॉइंट लगाया 0 0, यहाँ 0 बड़ा, ये यहाँ 0 बड़ा, 20 पंच क्या आ जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.05 1/20 की वैल्यू, 0.1 / g की वैल्यू कितनी होगा 0.05 g। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका 50 ग्राम ब्लॉक का, FBD ऑफ 50 ग्राम ब्लॉक, जिसका मास कितना हो जाएगा 50 kg में, 0.05 kg।
ये मास है 58। टेंशन इसमें क्या होगा? अपवर्ड। टेंशन इसमें क्या हमने मानी थी? टेंशन यहाँ क्या मानी है? टी वन। तो इसमें टी वन टेंशन हो गई। वेट कहाँ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा? मास 0.05 इंटू जी, अप जा रहा है ये एक्सेलेरेशन ए से। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? इक्वेशन देखो क्या बनेगी। नेट फोर्स क्या अपवर्ड डायरेक्शन में? एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू इस वाले में बड़ा कौन होगा? टी वन बड़ा होगा। टी वन माइनस 0.05 इंटू जी। नेट फोर्स क्या होगा? मास। मास कितना इसका? 0.05 इंटू ए इज इक्वल टू टी वन माइनस 0.05 जी। अब क्या करो कि इस वाली इक्वेशन को 0.5 है, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो जाए तो यहाँ क्या है? 0.05 ए इज इक्वल टू टी वन माइनस 0.05 जी, और यहाँ पे क्या है? 0.01। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को पहले ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऐड इक्वेशन वन एंड टू। अगर ऐड करेंगे तो 0.1 ए और 0.5 ए कितना हो जाएगा? 0.6 ए। 0.6 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस टी है, यहाँ प्लस टी है, तो ये माइनस टी प्लस टी से कैंसिल बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 0.5 जी। 0.5 जी यहाँ बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस टी वन और माइनस 0.05 जी, माइनस 0.05 जी। अब क्या करते हैं हम, हमें क्या निकालना है? एक्सेलेरेशन ऑफ 500 ग्राम में ब्लॉक में निकालना है। इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्या करो, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको क्या नाम दे दिया हमने? टू है, इसको नंबर दे दिया थ्री, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर थ्री और फोर, इसको तीन और चार को ऐड करते हैं। ये कितना? 0.6 है, 0.5 है। 0.05 एंड 0.6 कितना हो जाएगा? 0.65। ये कितना हो जाएगा? 0.65 ए इक्वल्स टू, अगर हम इसको ऐड करें तीन और चार को, तो कितना हो जाएगा? ये तो ये प्लस टी वन है, ये माइनस टी वन है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 0.5 जी माइनस, यहाँ क्या बचेगा? ये माइनस टी वन से प्लस टी वन कैंसिल, 0.5 जी माइनस 0.05 जी और माइनस 0.05 जी। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ गया? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 0.,  इसको दो बार लिख दो, 2 × 0.05 × g, टू टाइम्स आ जाएगा ना ये 0.5 g × ये क्या आ जाएगा? 0.65। इसको अगर हम ऐड करें इसमें और इसमें, तो 0.65 a माइनस टी वन से प्लस टी कैंसिल, 0.5 g, और ये माइनस 0.05 माइनस 0.5, तो टू टाइम्स ही आ जाएगा। इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0.5 g माइनस, इसको 2 में 0.5 की मल्टीप्लाई करें, 0.05 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 × 10, तो कितना आ जाएगा? 0.10 g, 0.65 a इक्वल्स टू, 0.65 a इक्वल्स टू कितना जाएगा? 0.5 में से 0.10 को घटाएंगे, 0.5 में से कितने को घटा दो? 0.10 को, तो कितना आ जाएगा? 0.5 में से घटा 0.40 माइनस कर दे, 0.40 g आ गया। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी? 0.40 अपॉन में 0.65 g। इससे इसको पॉइंट को काट दिया तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 40/65 g। अगर हम इसको 5 से कहाँ से काटे, 5 × 8 = 40, 5 × 5 और 5 × 15 ये कितना आ जाएगा? 18/13 g। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18/30, और ए की वैल्यू इसमें है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इसमें कितना आ गया? 8/13 g। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बताना था। इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। ये ब्लॉक है 50 ग्राम का, ये ब्लॉक है मास जिसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम का है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम पहले किसका ड्रॉ करा? इसका। इसमें ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर वन,
दूसरा फिर किसका बनाया, इस वाले 100 वाले ग्राम का, इससे ये इक्वेशन बना इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्री बॉडी डायग्राम ब्रोग्राम ने कितना 50 ग्राम वाले का, 50 ग्राम का, इससे इक्वेशन ये बनाई। फिर क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने से ये इक्वेशन नंबर 3 किससे बनाई, इस वाले इक्वेशन से आई है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करा, इसको और इसको ऐड करने से हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई, अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, 3A है और 4, 3 और 4 को ऐड करने से कौन सी आ गई, ये वाली इक्वेशन। एडिंग 3 एंड 4 से कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 किससे आई है, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। फिर इसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया और A की वैल्यू आ गई कितना, 8/13 जी, जो एक्सेलेरेशन है किसी में 500 ब्लॉक में, ये पूरा एक्सेलेरेशन जाए किसी भी ब्लॉक में निकालें तो एक्सेलेरेशन तो कितना होगा, 8/13 जी।